अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और शुरू करते हैं आज की रूटीन। और आज मेरे साथ हैं खाला। खाला अपने दिल का हाल सुनाएंगी। और पुराने वक्त में जैसे वो बैठते थे, उठते थे, और वो जो बहुत एक ज़बरदस्त एक होता था, वो सब सुनाएंगे। और जो हमारी एक बड़ी थी अम्मा, जिसकी हमारी बड़ी अम्मा थी, उनकी बड़ी अम्मा थी, तो उनकी माँ थी, तो वो वह उस टाइम की कोई कहानी सुनाएंगे। तो मैं अभी चलते हैं खाला के पास। तो ये रही खाला। खाला सुनाए क्या सुनाते हैं? बहुत मजा आता था जब बड़ी अम्मा थी घर में, सब हाँ, लोग इकट्ठे रहते थे। हाँ, साग बनता था। जब हम एक साथ बैठते थे, हाँ वो एक साल जो होती थी ना, साल, हाँ एक कमरा होता जिसके ऊपर वो हाँ बनाते थे। लकड़ियों का डला हुआ हाँ, होता वो था, बड़ा उसका काम जबरदस्त बोलते बनता थे। था, हाँ, बड़ा तो जबरदस्त। कोने में ना नीचे अंदर चूल्हा होता हाँ था, चूल्हा और बनाते थे। हाँ दो साइडें बनी होती थी, हम हाँ लोग हाँ गिर्द बैठ के ना, हाँ इर्द गिर्द चार चारों तरफ चटाइयाँ लस्सी होती बिछा, थी, साग हाँ होता हाँ था। सब चीज भाई मैं चटाइयाँ क्या बिछा बताऊं। के चारों तरफ चटाइयाँ, तो नीचे अम्मा जो खाला थी। जो है ना, मुझे जो बात बता रही है ना, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। अच्छा। हाँ, तो अम्मा सुबह सुबह उठती थी, तो आप लोग छोटे थे, मैं भी कुछ बड़ी थी, तो अम्मा उठती थी सुबह सुबह, लस्सी बनाती थी। हाँ, सबसे हाँ, पहले जैसे लस्सी, अम्मा पहले धाणी से ना, नमाज पढ़ती थी। हाँ नमाज पढ़ती, फिर अब्बू भी, अब्बा जो बड़े थे वो भी नमाज पढ़ते, पांच वक्त नमाज ही थे। मेरे पांच वक्त नाना थे, नमाज मेरे थे। अब्बू थे। हाँ बिल्कुल हाँ, अल्लाह बिल्कुल। उनको जन्नत और फिरदौस में दोनों को जगा दे। हाँ, तो वो सुबह सुबह उठ के ना मधाणी से ना हाँ, लस्सी लस्सी बनाती थी, पहले फिर बनती थी। हाँ मक्खन निकालती थी मक्खन, तो हाँ, फिर उठते थे सुबह सुबह, रोटी पकाते थे चूल्हे पे। बहुत अच्छा टाइम हाँ, गुजरता साग था। साग साग बना हुआ होता था। हाँ, मक्खन डाल के साग में सबको देते थे, बहुत मजा, बहुत सारी बातें। और बहुत भैंस बहुत भैंसें होती थी, उनका दूध निकालते थे। बहुत अच्छा टाइम हाँ, गुजरता बहुत था। अच्छा अच्छा टाइम हाँ, तो आज का व्लॉग गाइस आप सबको अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।